Hello friends, welcome to Unacademy, let's crack gate and ESE. So आइए दोस्तों, आज का जो session है बहुत ही interesting होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ current affairs के questions. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अभी present में पढ़ रहे हैं that is crash course for the CIL 2020. दोस्तों अब की बार CIL पार, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करनी है इस बार और CIL को बिल्कुल अच्छे से क्रैक करना है आप लोगों को. ठीक है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मैं यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है गाइज, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स फॉर द CIL. और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली करंट अफेयर्स के ऊपर है. किसके ऊपर है? करंट अफेयर्स. तो आज मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. ठीक, और इन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो PDF के थ्रू मैं आपको कल जो है प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, तो आज जो है हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं. दिस इज व्हाट करंट अफेयर्स. ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर आप लोग जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोग CIL का एग्जाम देने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी एज यू ऑलरेडी नो. सो दोस्तों ज़्यादा समय मैं इसमें नहीं लूंगा अपने बारे में बताने में, आप ऑलरेडी मेरे बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं. बाकी इतना ही बोलूंगा कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर उनको चीज़ें समझ में आती हैं, मेरा टेक्निकल पार्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे और भी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें. अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों. ये यहाँ पे आपको बहुत सारी खूबियां मिलती हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल मिलता है, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं. ठीक, आप अपने एजुकेटर से चैट पे बात कर सकते हैं. हेलो सर, मोहित मलिक, अमन वर्मा, धनंजय कुमोथी, सेलो सर डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम आर के जैन, बट बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं. दोस्त ये सब आर के जैन नहीं पढ़नी होती मेरे बच्चे. ठीक है, या तो आप प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करिए, सारे PSUs के क्वेश्चन लगाइए. ठीक है, और अगर आपने गेट के लिए तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, तो गेट के क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिए, सारे गेट के क्वेश्चन को, ESE के क्वेश्चन को. सर क्लासेज मेरी मिस हुई है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं? दोस्त आज का टॉपिक बिल्कुल फ्रेश है, इसका कोई लेना देना नहीं है, करंट अफेयर्स हैं ये दोस्त. ठीक है, और मैं एज अ क्रैश कोर्स एज अ टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ. माइंड इट प्लीज, टेस्ट सीरीज के तौर पे हम लोग एक तरह से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन करके अटे हैं. अभी ऑलरेडी बच्चों ने गेट की प्रिपरेशन कर रखी, तो टेक्निकल पार्ट उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है. अब हमें थोड़ा सा नॉन टेक पार्ट पर फोकस भी करना है, तो आज मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे भी आएंगे. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों ने लाइक किया है, तो मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा. आज मैंने करीब 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो मैं 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाऊंगा. ठीक है, क्योंकि आपका फायदा कुल मिला के होना चाहिए दोस्तों. चलिए, तो मैं बात करता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की दोस्तों. तो अनअकैडमी पे आप बहुत सारी खूबियां हैं, आप अपने एजुकेटर से चैट पे बात कर सकते हो, इंटरेक्टिव पोल्स में हिस्सा ले सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग इज अ लर्न एनी टाइम एनी वेयर. तो ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो आप इसको प्रीवियस वीडियोज को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए और नहीं. इसके अलावा गेट के सब्सक्रिप्शन या ESE के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, बेटा दोनों के लिए वैलिड है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे गेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ESE का, उसकी फी यहाँ पर दे रखी है आपको. ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अब जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है. बाकी इस कोड को डाल देंगे आप GPS लाइव, तो जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा. फॉर एग्जांपल 24 मंथ, मतलब 2 ईयर्स के प्रोग्राम की जो फी है वो 40,000 है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालेंगे GPS लाइव, ये फी कितनी रह जाएगी? 36,000, मतलब 4,000 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों. ठीक है, इसके अलावा अगर आप 12 मंथ का, मतलब 1 साल का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो उसकी फी 25,000 है. जैसे आप GPS लाइव कोड डालेंगे, ये फी कितनी रह जाएगी? 22,500 रुपये. ठीक है दोस्तों, दोस्त किसी भी एग्जाम में ऑलवेज रिमेंबर, देखो जनरली प्रीवियस 3 मंथ के करंट अफेयर जनरली आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपको करना है तो 4 से 5 मंथ के कर सकते हो, इससे ज़्यादा करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना होता दोस्त. ठीक है, करंट मंथ का करंट अफेयर, उससे पिछले मंथ का करंट अफेयर, और उससे पिछले, मतलब 3 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने होते हैं. आशीष राणा के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ मैं. क्रैश इतना ही सफिशेंट है, और भी कोई मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा दोस्त? हाँ, थोड़ा बहुत देखो नॉन टेक्निकल के लिए आपको बेटा फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, इंग्लिश का भी उसमें पार्ट है थोड़ा सा, रीजनिंग भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बच्चे, तो वो भी आपको देखनी है. चलिए आगे मूव करते हैं. आपको इसके लिए करना क्या है?
अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद गेट या ईएससी सेक्शन को चूज़ करना है, ठीक। और जो भी सबक्रिप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ और द 24 मंथ, उसके बाद जीपीएस लाइव कोड आपको ज़रूर डालना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, काफ़ी बच्चों का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो थैंक यू सो मच उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस कोड को डाल के सब्सक्रिप्शन लिया है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोड नहीं डाला, पेमेंट कर दिया है, तो फिर वो बाद में बोल रहे हैं कि सर 10% का डिस्काउंट दिलवा दो, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है, आपको ये पेमेंट करते टाइम ही डालना है, ठीक है। प्रवीण कुमार, टेक्निकल के लिए नहीं, हाँ टेक्निकल अभी इतना ही पढ़ लो बेटा, बहुत है फिलहाल अभी, है ना, ठीक है। मेन मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, ये आपकी स्क्रीन पे, हु वॉन हिज रिकॉर्ड 6 मैन बैलेंडियर अवार्ड फॉर द ईयर 2019। बैलेंडियर अवार्ड बहुत, देखिए दोस्तों इन क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो मैं कल पीडीएफ के थ्रू आपको बता दूंगा। यस, एक बच्चे ने आंसर किया है 4th को, लियोनेल मेसी, विच इज द राइट आंसर। दिसंबर 2019 में ये अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को। अमन वर्मा, मैं बेटा टेक्निकल ही जनरली पढ़ाता हूँ, बट बच्चों की इंक्वायरी आई थी कि सर थोड़ा सा नॉन टेक पर भी फोकस करिए, इसलिए मैंने क्रैश कोर्स को आज उठाया हुआ है दोस्त, ठीक है। दो लोगों का आंसर आया है, एक और का आंसर आया कौशल रजा 4th, यस द राइट आंसर इज। लियोनेल मेसी, ठीक है। तो बेटा इसको याद कर लेंगे, बैलेंडियर अवार्ड माइंडेड प्लीज, मेंस बैलेंडियर अवार्ड। इसके अलावा विमेंस का भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मेंस का है, विमेंस का मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे विमेंस के लिए बैलेंडियर अवार्ड क्या है, ठीक है। तो विमेंस के लिए ये बैलेंडियर अवार्ड मेंस का किसको मिला है, लियोनेल मेसी को। बैलेंडियर अवार्ड फॉर द, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विमेंस के लिए आपसे पूछे तो विमेंस के लिए मिला है दोस्तों मेगन, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे, यस मेगन रैपनी को, ठीक है, विमेंस बैलेंडियर अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, मेंस में लियोनेल मेसी, वीमेन में मेगन रैपनी को, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट गंगा सेंट्रलाइज एक्विलेट, कहां पे इसकी नींव रखी गई है। हाँ क्रैश कोर्स में दोस्त मैं ज्यादातर सारे सब्जेक्ट को ही कवर कर रहा हूँ, मेनली उस दिन मैंने बताया था वेरी फर्स्ट वीडियो में कि मैं एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट कवर करूंगा, ठीक है। यस जीए के ऊपर नदीम राजा मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, जीए के ऊपर भी मैं एक दो दिन में करने वाला हूँ, अभी 3-4 दिन पहले करंट अफेयर पढ़िए, फिर उसके बाद जीए के कुछ पार्ट को उठाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, अजय गोविंद सेइंग 1, सत्यकांत मिश्रा सेइंग 1, देहरादून उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया धन्यवाद, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेम द इंडियाज रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV C-48, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज 25th मिशन ऑफ PSLV, 15th मिशन ऑफ PSLV।
बताइए इसका आंसर। पंकज कुमार, नदीम राजा, पंकज कुमार सिंह फोर्थ, नदीम राजा सिंह बी, धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ, रीसेट 2BR1। ठीक है, एज इलेक्टेड अब्दुल मजीद टेबेन्यू एज इट्स प्रेसिडेंट ऑन 13 दिसंबर 19। अजहर सिद्दीकी। रीसेट की फुल फॉर्म रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से बेटा। इसका आंसर है अल्जीरिया। देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? ठीक है, इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ते जाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑन 13 दिसंबर 2019। दोस्तों इसका आंसर है फोर, एलेक्जेंडर बोरिस डे पेफल जॉनसन। एक काम करिएगा दोस्तों, आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर को एक तरह से बिल्कुल क्रैम कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इनमें से जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मान लो मैंने 200 क्वेश्चन आपको कराए 2-3 दिन में, तो 200 में से 30-40 क्वेश्चन फंसने चाहिए। जैसा जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से फंसने की संभावना है काफ़ी सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो एक वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 2 दिसंबर 19। दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, मसास्कू असाकवा। ये मसास्कू असाकवा शिंजो आबे जो हैं चाइना के प्रेसिडेंट, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, नेम द मेड इन इंडिया फास्ट इंटरसेप्टर वेसल दैट वाज गिफ्टेड बाय इंडिया टू मालदीव। इंडिया ने मालदीव को कौन सा वेसल दिया था, मतलब एक तरह से पानी का जहाज दिया था। इंडिया टू मालदीव्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी। अभी लास्ट ईयर इंडिया ने एक वैसल दिया था मालदीव को, जो मालदीव की एक तरह से जो नेवी है उसको दिया था।
दोस्तों उसका नाम था कामयाब, ठीक है। तो इसका आंसर है 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु विल हेड द 14 मेंबर पैनल स्टडी टू इशू रिलेटेड द ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कंटेंट ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखते हो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि जो वीडियो बना लेते हैं और ब्लैकमेलिंग जो करते हैं, तो उस तरह के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सोसाइटी बनाई थी, कमेटी बनाई थी, जिसमें 14 मेंबर थे, तो उनको ऐड कौन करेगा? जल्दी बताइए, ये अखबार में काफी बड़ी न्यूज आई थी एक बार। यस, लास्ट मंथ इन इन 2019 दिसंबर के महीने में ये खबर आई थी। दोस्तों इसका आंसर है जयराम रमेश, ठीक है। जयराम रमेश लीड करेंगे 14 मेंबर की कमेटी को, ठीक है, पैनल को लीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड एन्यूटी बेस्ड 14 ml मेगालीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से याद करिए। बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर, यस वेरी गुड, अमन वर्मा ने बोला 4, तो सरावस अकेलमी 4, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका आंसर है सराई विलेज इन हरिद्वार उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है सीवेज प्लांट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच स्टेट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियाज फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड, एनिमल हस्बेंड्री क्रेडिट कार्ड टू 101 एलिमन फार्मर्स टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्री बिजनेस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। नो, यूपी इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो 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 नो, हरियाणा इज द राइट आंसर, गलत है आप लोग। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप सब्सिडरी टू एलिवेटेड इट टू इंटरनेशनल कंट्रीज? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? बताइए। ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए आपको, बहुत कल आजकल यूज में आ रहा है ये।
सत्यकांत कुंदन यादव सेइंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज़ अ यूपीआई। दोस्तों आजकल सुनते नहीं हो यूपीआई यूपीआई यूपीआई। देखो एनटीपी, ये जो एनईएफटी है, ये सब तो बहुत समय से चला रहा है, आईएमपीएस बहुत समय से, आरटीजीएस बहुत समय से चला रहा है, तो नया क्या आया था अभी? तो दैट इज़ द यूपीआई, यूपीआई पेमेंट आया, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, एग्जैक्टली एमाद उद्दीन, एनईएफटी तो पहले से है ना, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आरटीजीएस भी बहुत पहले थे बेटा। एनईएफटी में जो लिमिट होती है वो 2 लाख होती है, ठीक है, 2 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा कुछ है तो दैट इज उसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में करते हैं, ठीक है, आरटीजीएस के अंदर। बाकी आईएमपीएस उसी इंस्टेंट पर हो सकता है, इसका कुछ पैसा थोड़ा सा बैंक लेती, बाकी रिसेंटली जो आया दैट इज द यूपीआई। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए, नेम द ओनली कंट्री दैट अकाउंटेड अ ह्यूज राइज इन द बर्थ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 41% इन 2005 टू 6 टू 80 ओवर द डिकेड अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, रिपोर्टेड टिल्टेड बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी चिल्ड बाय वी आर वी ऑन ट्रैक। जल्दी बताइए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। दोस्तों इसका आंसर है 4, इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। नो, इमाद उद्दीन इंडिया, यस गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेम द स्टेट दैट प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट वायर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कांट बी इम्प्लीमेंटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपको पता चल रहा है, ठीक है, अब वो एक्ट बन चुका है, आप लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। विच ऑप्शन इज राइट? आदित्य कुमार इज सेइंग 1, यस द राइट आंसर इज 1, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आगे मूव करते हैं। हु विल हेड द 3 मेंबर इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, वॉट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज? इस क्वेश्चन का आंसर है वी एस सिरपुकर, ठीक है, वी एस सिरपुकर जो, यस यस, इमाद उद्दीन का करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, शाबाश गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वॉज क्राउंड विद मिस यूनिवर्स 2019 ड्यूरिंग द 68th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन अटलांटा जॉर्जिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, मिस यूनिवर्स कौन बने थे?
सत्यकांत मिश्रा सिंह थ्री, बिल्कुल ठीक। ये आंसर आपको पता भी होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स 2019 में कौन बना था। बहुत बढ़िया, गुड, यस, थ्री इज द राइट आंसर। जोजी बिनी टुंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इंदिरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमादुद्दीन आस्किंग शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यस शी इज फॉर साउथ अफ्रीका, यस। इसका आंसर है इंडिया एंड रशिया। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर बताइए। वॉट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019-20 एज पर फिफ्थ बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स। देखिए जीडीपी की जो रेट आई है ये कई संस्थानों ने निकाली है, माइंडेड पे, और कई बेसिस पे निकाली है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ये जो जीडीपी रेट है इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो तीन चार हैं, लिसन केयरफुली। कहीं 5.1 है, कहीं 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 कुछ और है। तो पहले फंडा समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ मंथली बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रेट के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस वक्त दैट इज़ 5%, ठीक है। अभी इसमें मैंने और भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, उनके हिसाब से अभी हम देखेंगे। वीडियो नहीं चल रहा क्या? लेट मी चेक प्लीज। नाउ इट इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु वॉज इलेक्टेड एज द 46th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, हु बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34। ओके ओके, गुड गुड गुड। बेटा नेट की कनेक्टिविटी पता नहीं क्या बार बार हो ख़राब हो जाती है। एक्चुअली मैं आज अपने होम टाउन में नहीं हूँ, थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, इस वजह से भी थोड़ा नेट दिक्कत कर रहा है। चलिए बताइए मुझे व्हाट इज़ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 19th का। ओके अनुप कुमार, थैंक यू। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में बहुत आया था। हु वॉज इलेक्टेड एट द 46th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, हु बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34। बेटा 17 का आंसर लोथल गुजरात, लोथल लोथल, ठीक है। फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया लोथल गुजरात में, माइंड इट प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। तो 19 का आंसर बताइए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर ऑफ 19 क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर है सना मिलेना मरीन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा प्लीज, जो यंगेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। विच स्टेट हैज साइंड 206 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट टू डेवलप वाटर सप्लाई सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 5 सिटीज। व्हाट इज आंसर ऑफ द 20th क्वेश्चन।
वेस्ट बंगाल इज द रॉन्ग आंसर. खुशबू कुमारी इज सेइंग थ्री, दैट इज द महाराष्ट्र अगेन द रॉन्ग आंसर. इसका आंसर दोस्तों तमिलनाडु. क्या नाम है, क्या है, तमिलनाडु. तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तमिलनाडु ने रिसेंटली सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई के ऊपर काम करने का काम किया है, और उसके लिए उन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वेयर वॉज द सेवंथ एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एंड आर्मी एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2 2019 विल बी हेल्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सादिक अमीन इज सेइंग 2. ओके, अजय गोविंद इज सेइंग 2, रवि शॉ सेइंग 2. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. यस, इट इज़ द राइट आंसर. पुणे में ये हुआ था दोस्तों. ठीक है, अगेन इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़. यस, खुशबू कुमारी सेइंग 2, बिल्कुल ठीक, पुणे इसका राइट आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु वॉज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉरिशियस ऑन December 2, 2019. मॉरिशस का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. मॉरिशस हमारा एक बहुत ही अच्छा मैत्रिक दो कंट्री है, जहाँ पे इंडियन लोग बहुत हैं. ठीक है, काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ लोग इंडियन रहते हैं मॉरिशस के अंदर, और काफ़ी अच्छा बिजनेस हम लोग यहाँ से करते हैं मॉरिशस के साथ. बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉरिशस ऑन December 2, 2019. कुंदन यादव सिंह 3, प्रशांत सिंह, खुशबू कुमारी 3. बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है, दैट इज अ पृथ्वीराज रूपून. बिल्कुल ठीक, इसका पीडीएफ मिल जाएगा. तो बेटा ये ऑलरेडी पीडीएफ ही है, बाकी यहाँ नो डाउट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, मैं गूगल ड्राइव का आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लीज. हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट ऑन 4 दिसंबर 2019. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सुभाषिश पांडे सिंह 3, सिनर्जी ब्रेन नो. अंकिता बरखे सिंह 2, सत्य नंडेला नो. नो 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 दोस्तों, इसका आंसर है सुंदर पिचाई. ठीक है, सुंदर पिचाई. ठीक, गूगल के सीईओ हैं, आप लोग जानते होंगे शायद इनको. ठीक है, सुंदर पिचाई इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वॉट इज द रेपो रेट अनाउंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फिफ्थ बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रेट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये भी. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये प्लीज पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये काफी पूछे जाते हैं. तो दोस्तों 24 का आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, 3. ठीक है, 5.1. भाई इन चीज़ों को रट लेना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इनको थोड़ा सा ना आप क्रैम कर लेना, क्योंकि ये एक्चुअली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विच कंट्री टॉप्ड इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 25th का.
नो दोस्तों, इसका आंसर है नीदरलैंड्स। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड 277 मिलियन डॉलर आ लोन एग्रीमेंट विथ फॉर्मरली KF। ये एक्चुअली दूसरी लैंग्वेज है दोस्तों, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हाउसिंग प्रोग्राम इन इंडिया। KFW से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने लोन लिया है 277 मिलियन डॉलर का फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी हाउसिंग प्रोग्राम इन इंडिया? इतना बड़ा लोन फिलहाल इन बैंकों को देखें तो किसकी औकात हो सकती है इस वक्त, जिस तरह से बैंक हमारे देश में अभी फिलहाल घाटे में चल रहे हैं। यस, खुशबू कुमारी इज द राइट आंसर, दैट इज द SBI। SBI ने लिया दोस्तों, किसने लिया है? SBI ने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए, विस मसाज हैज बीन इंडक्टेड टू यूनेस्को प्रेस्टिजियस हेरिटेज लिस्ट। कौन सी मसाज को हेरिटेज लिस्ट में नाम दिया गया है? नुआत थाई मसाज, बालीनेस मसाज, बाली में जो होती है, इंडियन आयुर्वेदिक मसाज इंडिया में जो होती है, हॉट स्टोन मसाज वियतनाम। बेटा हवाबाजी नहीं करनी है कि कोई भी तुक्का मार दिया कि इंडिया की, इंडिया का नाम आ गया तो वो हेरिटेज में शामिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन, नुआड थाईलैंड में जो मसाज है उसको उसको मिला है हेरिटेज अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को प्लीज एक बार आप याद करेंगे। नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु रिसीव द 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर हर लीडरशिप इन रेजिंग मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर। प्रियंका चोपड़ा। ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 2 3 3 प्रियंका चोपड़ा। सॉरी डियर फ्रेंड, इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, सेकंड दीपिका पादुकोण को ये अवॉइड मिला है। दोस्त मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, खुशबू कुमारी इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज द दीपिका पादुकोण। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज माइंड इट, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट प्लीज, नेम द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला गिला फ्रॉम इंडिया हु इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर नॉन फुटबॉलर अपॉइंटेड इन दैट पोजिशन ऑन December 12, 2019। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा उसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आकाश पटेल सिंह, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा पक्का, अजय गोविंद सिंह पक्का, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है अजय भाई, अजय गोविंद साहब, आपकी बात को हम समर्थन करते हैं। द राइट आंसर इज द रोहित शर्मा।
रिसेंटली रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिप्लेसिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। प्रशांत कुमार इज सेइंग फोर, अपूर्वा मुल्ला इज सेइंग फोर, ओके, यानी कि सुशील कुमार मोदी यू आर सेइंग, ओके गुड गुड गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सुशील कुमार मोदी, यस। तो आप लोग गलत कैसे हो सकते हो, बिल्कुल सही, इट इज़ द राइट आंसर। तो सुशील कुमार मोदी इसको लीड करेंगे, ठीक है, यस सुशील कुमार मोदी इज द राइट आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट्स जगह मिशन दैट एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द स्लम इंटू लाइवेबल हैबिटेट्स बाई यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हैबिटेट। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉस्टैल्जिक सोवेनिर सेइंग वन, आकाश राठौर सेइंग थ्री। ओके द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओडिशा। ओडिशा ने अवार्ड जीता था दोस्तों, ठीक है, यस यस, अंकिता इज राइट, खुशबू इज राइट, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस ट्रेकिया, अ यूनिक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू एनेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ द सैंपल्स कलेक्टेड इन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। थोड़ा ये लेवल का क्वेश्चन है। अनूप कुमार गुजरात, हवा जी में गुजरात, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, समझिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 32 का आंसर बताएंगे। दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा, ठीक है, 32 का आंसर है हरियाणा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का नाम याद कर लो, ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया सॉफ्टवेयर सबसे पहले किसने लिया था, इंट्रोड्यूस किया है, हरियाणा, हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अजय गोविंद तुक्का, ओके नो वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच स्टेट हैज इमर्ज एज द टॉप रैंक्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी एज पर द 7th एडिशन फॉर द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 फॉर द ईयर ऑफ 2020 2019 20, मतलब 2019 से 20 के बीच में। इसका आंसर बताइए, टॉप रैंक किसको मिला था स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझो तो। रिसेंटली बड़ा हल्ला मचा था जब ये चुनाव हो रहे थे इस चीज़ के लिए, स्किल रिपोर्ट जो आई थी, तो सबसे ज़्यादा किसको अवार्ड मिला था उसमें। एवरीवन इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है, याद कर लो, महाराष्ट्र को टॉप रैंक मिली थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु हेड्स द 15th फाइनेंस कमीशन दैट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. इस क्वेश्चन का आंसर करिए 34 का. What is the answer? 2 2 2 2 2 2. सब गलत हो. इसका आंसर है नंद किशोर. ठीक है, नंद किशोर सिंह को बनाया गया है प्रेसिडेंट. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट प्लीज. यस, विवेक कुमार का आंसर ठीक है. विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अब्दुल महीदी रिजाइंड रिसेंटली. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ समय पहले की बात है ये. ईरान और इराक. विवेक कुमार सिंह ईरान. ओके, दोस्तों इसका आंसर है इराक, नॉट ईरान. ठीक है, इराक के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है रिजाइन किया था रिसेंटली. ठीक है, जब इशू चल रहे थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देखिए आगे एक क्वेश्चन और. ये व्हाट वाज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज पर द क्राइसिल फॉर्मली क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेटिंग सर्विस ऑफ द इंडिया लिमिटेड. देखिए अब देखिए इसके थ्रू, अभी इससे पहले मैंने 5% बताई थी जीडीपी, अब इसके थ्रू बताइए क्या आंसर है. दोस्तों रटना नहीं है, देखो कई तरह से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है और कई कई कमेटियों की रिपोर्ट्स आती है. ठीक है, तो इसके थ्रू बताइए व्हाट इज द आंसर. फाइव पॉइंट थ्री, फाइव पॉइंट थ्री, फाइव पॉइंट थ्री. सॉरी डियर फ्रेंड, इसका आंसर है 5.1. ठीक है, शिल्पी सिंह वन. यस, शिल्पी सिंह का आंसर ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड युवा जनरेशन लिमिटेड इंडिया टू प्रमोट द सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिल्ड द स्किल्स यंग पीपुल नीड फॉर द प्रोडक्टिव लाइफ एंड द वर्क. बताइए दोस्तों. यूनेस्को. ओके, और किसी का कोई आंसर? तुक्के नहीं मारने बेटा, पता भी है कि नहीं.
इसका आंसर दोस्तों यूनिसेफ, ठीक है, सेकंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वेयर वॉज द इंडिजिनस डेवलपमेंट न्यूक्लियर कैपेबल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल पृथ्वी टू टेस्टेड फायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पृथ्वी टू का टेस्ट कहाँ पे किया गया था? जुबान पर अटा होना चाहिए आपके। व्हाट इज द आंसर ऑफ द 38th क्वेश्चन? क्या बात है, मजा आ गया। यस वेरी गुड, द राइट आंसर इज चांदीपुर ओडिशा, बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सी मिसाइल कब छोड़ी गई थी, कहाँ से छोड़ी गई थी, ये सब चीज़ें बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी टू का जो टेस्ट अभी रिसेंटली हुआ था, दैट वॉज इन चांदीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वेयर वॉज द 21st एशियन आर्चरी चैंपियनशिप फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? नाइस क्वेश्चन अगेन, इसका आंसर बताइए 39th का। पारस गुप्ता सेइंग 4, अभिषेक गौतम सेइंग 2, ओके, पारस गुप्ता सेइंग बैंकॉक एंड अभिषेक गौतम सेइंग मॉस्को रशिया, ओके, एनी अदर? दोस्तों इसका आंसर है 4th, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में हुआ था ये। विवेक कुमार इज सेइंग 4th, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना नेम्ड हैंड इन हैंड 2019? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताइए। एटीन एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इंडिया चाइना के बीच की जो जो भी उन्होंने समझौता किया उसके तहत उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। पारस गुप्ता सेइंग 1, दैट इज़ द मेघालय। आकाश पटेल सेइंग 2, दैट इज़ मिजोरम, ओके। और कौन बोल रहा है कुछ? अभिषेक गौतम 1, 1, विवेक कुमार, यस, ज़्यादातर बच्चे 1 बोल रहे हैं, यस 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मेघालय में ये हुआ था दोस्तों। यस चाइना और इनकी एक जॉइंट ट्रेनिंग थी जिसमें चाइना के लोग और हमारे लोग थे, मिलके उन्होंने काम किया था, ये मेघालय में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अनुप कुमार सिंह मेघालय, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द ईयर 2019 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? यस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सौ ग्यारह, 112, 113, 114, क्या रैंक मिली थी इंडिया को? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको याद कर लिया करो, रट लिया करो, ठीक है। इसका आंसर है 112, 112 रैंक मिली थी, ठीक है। यस बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट प्लीज, हु वॉज क्राउंड एज द मिस वर्ल्ड 2019 एट 69 मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन 2019 हाल ही लंदन यूनाइटेड किंगडम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताइए।
व्हाट इज द आंसर? दोस्त इसका आंसर है टॉनी एन सिंह, एंड ये मिस जमैका हैं, ठीक है। इनको 2019 में मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला था, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने शिल्पी सिंह, यस फोर्थ, यस बिल्कुल, यस मिस यूनिवर्स टुंजी था, यस बिल्कुल ठीक। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ठीक, गुड 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 गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर द सेकेंड टर्म ऑन 1 दिसंबर 2019? बेटा जमैका कहाँ पे है? इसका आंसर बताइए फटाफट से। अनूप कुमार, यस इसका आंसर है 43 क्वेश्चन का वन, हैज गॉट फायर्ड जिंगो, ठीक है। रट लेना क्वेश्चंस को, आप लोग थोड़ा सा रट लिया करो। तो नामीबिया का ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन दिसंबर 6, 2019? यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ द NSE, आपने नाम सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? विक्रम इमानी, मोस्ट ऑफ द पीपुल सेइंग वन, गिरीशचंद्र चतुर्वेदी। ओके दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, वन, गिरीशचंद्र चतुर्वेदी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन बनाया गया था रिसेंटली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टूडे इन इक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी? देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि हमारी रैंक क्या है डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, किन किन चीज़ों में, इनकम में, बियॉन्ड द एवरेज, बियॉन्ड द टूडे, ईच एंड एवरी इन इक्वलिटीज़ के अंदर। सुरेंद्र देव देवंगन, अंकुर कुमार, 129, यस यू आर राइट गाइस, द राइट आंसर इज 129। पारस गुप्ता सिंह वन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। नहीं दोस्त, रोहित कुमार योर रोहित सिंह योर आंसर इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज 129।
देखिए एक और बार आ गया, व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर्स 20 एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए अब वही चीज है ना, कितने लोग मतलब कैलकुलेशन करते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो दो तीन क्वेश्चन मैंने बताए, अभी एक और क्वेश्चन आ गया, इसके थ्रू बताइए कितना है। वन ट्वेंटी नाइन बेटा, खुशबू कुमारी 129। यस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5.1 बेटा, 5.7 नहीं है, बहुत ज्यादा जीडीपी गिर चुकी है हमारे देश की इस वक्त, ठीक है। तो किसी ने 5 पे कैलकुलेट किया है, किसी ने 5.1 इस तरह से कुछ बताया हुआ, तो आपको इतना भी याद रखना है कि कितना भी मतलब क्वेश्चन इस तरह पे आ जाए, तीन क्वेश्चन मैंने जीडीपी को पहले रख रखे हैं इसमें, तो आंसर क्या है, 5 है या 5.1 है, ठीक है, 5.7 नहीं है दोस्त। एग्जैक्टली यस यस अजय गोविंद यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एथलेटिक एंड अ कैजुअल फुटवेयर फ्रॉम प्यूमा फॉर 3 ईयर्स ऑन दिसंबर 10, 2019। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई अनूप कुमार सही बोल रहे हो आप, कन्फ्यूजिंग तो है दोस्त, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट याद रखना है बाई मंथली, और जनरली देखो यही इसी तरह से पूछा जाएगा, तीन तीन क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तीन के ऊपर एक बार देख लीजिएगा, है ना, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला, एक क्राइसिल वाला और एक तो बाई मंथली वाला, इनको तीनों को देख लीजिएगा, ठीक है। सेम नागरे कह रहे हैं, चेत्री पारस गुप्ता सिंह, सुनील चेत्री यस, नॉस्टैल्जिक सोवेनिर भी बोल रहा है सुनील चेत्री, तो डियर फ्रेंड जब आप इतने लोग बोल रहे हो तो मैं फिर गलत कैसे कर सकता हूँ इसको। यस इट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द सुनील चेत्री, ठीक है। सुनील चेत्री को रिसेंटली बनाया गया था प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर, और उससे पहले जो नाइकी है, नाइकी के लिए ब्रांड एम्बेसडर से बनी थी हुमा दास, ठीक है, पता होगा शायद आप लोगों को, ठीक। तो नाइकी भी स्पोर्ट्स वेयर और फुटवेयर के लिए जाना जाता है। अजय गोविंद सिंह तुक्का, ओके चलिए एनीवेज, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, आज मैंने बस 48 क्वेश्चन ही रखे हैं, अगर आपका रिव्यू इस पर अच्छा आता है, आपको लगता है कि हाँ सर आप ऐसे क्वेश्चन कराइए, तो मैं डेफिनेटली कल से इनकी संख्या बढ़ा दूंगा और वो प्रोबेबल क्वेश्चन मैं इसमें रखूंगा जो आने की संभावना होगी, ठीक है। और ये जो अभी करंट अफेयर मैंने लिया है जनरली दिसंबर 2019 का है, अभी जनवरी का लेंगे और फिर जो भी थोड़ा बहुत बनेगा तो हम लोग फरवरी का भी इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपके रिव्यू अच्छे आते हैं, आपको लगता है कि हाँ सर इस तरह क्वेश्चन कराने हैं, तो आज पहली बार मैंने टेक्निकल से थोड़ा हटके नॉन टेक्निकल पार्ट यहाँ पर लिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सारे। हु विल हेड द 10 मेंबर वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द IRDAI, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू रिकमेंड फॉर लॉस प्रिवेंशन एंड द मिनिमाइजेशन इन द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अजय गोविंद सिंह जरूर करवाइए, ओके 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 ठीक है। तो फिर मैं कल से थोड़ा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाता हूँ, ठीक है, और कल से हम लोग फिर इस वीडियो को भी 2 घंटे के रखते हैं, कल मैं कोशिश करूंगा कि 80 से 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए नए लेके आऊँ बिल्कुल, ठीक है, और वो प्रोबेबल क्वेश्चन, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पार्ट दिसंबर के करंट अफेयर का हो और बाकी का पार्ट मैं जनवरी का कल रखने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए श्योर, डेफिनेटली माई डियर फ्रेंड, डेफिनेटली आई एम हेयर जस्ट फॉर यू ओनली, ठीक है, आप लोग अगर साथ देते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं आपका साथ दूंगा बिल्कुल, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसको और बता दो एक बार दोस्तों, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। प्लासी निकोल गालेगो मोटा वातु चल भी, क्या बात है अजय गोविंद, वाह
इज योर वीडियो और मैन्युफैक्चरिंग सफिशियंट फॉर ईएससी? यस डेफिनेटली, कुछ पार्ट अलग से मैं कराऊंगा प्लस पे। युवराज निम्जे एक बार पढ़ के देखिए, आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे बेटा, ए टू जेड क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है? ना लगे तो फिर मैं फिर बेकार है मेरा पढ़ाना, ठीक है? युवराज निम्जे जो बच्चा है, खुशबू कुमारी लिंक भेज दीजिएगा पीडीएफ का, डेफिनेटली। बाकी आप लोग अगर इन केस आपको मान लो मैं लिंक नहीं भेजता हूँ कभी, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली एफबी पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? माय नेम इज़ गौरव बाबू, आप मुझे एफबी पे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? मेरा पेज भी वहाँ पे है, गौरव बाबू नाम से आप मुझे फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिए, ठीक है? और आप मुझे लिख सकते हैं कि सर आई एम लर्निंग फ्रॉम यू फ्रॉम द अनअकेडमी, काइंडली हेल्प मी। तो डेफिनेटली मुझसे जो हेल्प बनेगी दोस्तों, डज नॉट मैटर कि आप ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो अनअकेडमी, बट फिर भी हाँ, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। हाउ टू ज्वाइन प्लस, इसके लिए दोस्त अजमा जो बच्चा है ये, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाके प्लस पे क्लास मिलेगी आपको। दोस्त पारस गुप्ता दैट यू आर सेइंग, एक्चुअली मेरे हम लोग सारे एक्चुअली सारे कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वी ऑल आर, ऑल द इंडियन फैकल्टीज आर इंटरकनेक्टेड। हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है एज यू आर सेइंग कि ये इस तरह से हम लोग एक दूसरे के उसमें रहते हैं, तो कंटेंट कभी कभी बेटा कॉपी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो प्लस पे पढ़ा रहे हैं वो इंडिया के यूके मान के चलिए कि सबसे टॉप एजुकेटर थे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक है? ऐप इज नॉट अवेलेबल इन आईओएस, यस आईओएस में अभी अवेलेबल नहीं है वो, यस। इट्स नॉट लाइक दिस माई डियर फ्रेंड, इस तरह की ट्रिक्स बहुत लोगों ने बना रखी है, एंड इफ यू विल गो टू मेड इजी तो वहाँ के फैकल्टीज भी पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है? कई बार हमारे नोट्स कॉपी हो जाते हैं, कई बार हमारा डेटा ऑनलाइन चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें सर। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाफट, 48 क्वेश्चन का, व्हाट इज द आंसर ऑफ द 48th क्वेश्चन? 10 मेंबर के ग्रुप को कौन हेड करेगा? इसका आंसर है टी एल अलामलू, ठीक है? ये साउथ इंडियन पर्सन है, ठीक है? हजमा एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे सॉरी ऐप पे मैसेज करो, आई विल टॉक टू यू पर्सनली देयर, ठीक है? देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक बेटा? 48 क्वेश्चन का आंसर है टू, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ठीक है? कल मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा क्यों, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और जनवरी के करंट अफेयर को मैं इसमें लूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने केवल दिसंबर के करंट अफेयर को उठाया, और याद रखिए बेटा किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो मैक्स टू मैक्स प्रीवियस 3 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5, भाई इससे ज़्यादा करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना, 3 मंथ मैक्सिमम सफिशियंट होते हैं। तो हम लोग शिवानी सर प्लीज़ प्रोवाइड द लिंक, आपको जो भी क्वेरी आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको पर्सनल लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? बाकी मैं यहाँ पे भी डाल दूँगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? आप मुझे एफबी पे मैसेज कर दीजिए, देन आई विल आंसर देयर, नो प्रॉब्लम। तो क्या बता रहा था मैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्त प्रीवियस 3 मंथ का करंट अफेयर सफिशियंट होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आए तो 4 से 5, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता सर हमें, ठीक है? हाँ बेटा मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? अभी तो मात्र 48 क्वेश्चन कराए, करीब मैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 200 से 300 के आसपास, तब जाके मैं बोलूंगा कि यस दिस इज सफिशियंट। एग्जैक्टली, ऑस्कर एंड पद्म अवार्ड, यस जनवरी के उसमें आ जाएंगे दोस्तों, है ना? बिल्कुल आ जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जनवरी के करंट अफेयर में आ जाएंगे वो, ठीक? तो अभी जो था वो केवल दिसंबर का करंट अफेयर था, ठीक? कल मैं दिसंबर प्लस जनवरी का करंट अफेयर ऐड करता हूँ, ठीक? ताकि आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? बाकी आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है मुझे अभी भी मैसेज करिए, आई विल आंसर देयर। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, और इफ़ इट इज़ सो देन यू कैन लाइक हेयर। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको चीज़ें समझ में आई हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल नॉलेज के लिए पहले मेरे वीडियोज़ देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ गौरव सर सही पढ़ाते हैं, देन यू कैन ज्वाइन मी,
अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक? अगर आपको लगता है तभी आप लोग आइए। इसके अलावा आपको अगर सीरियस प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन यूज़ माई कोड, दैट इज़ अ GPS लाइव, टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CIL एग्जाम। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बेटा ऐड करूँगा, अमित यादव, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए गाइज, लव यू ऑल, गुड नाइट।